एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है आपको, ठीक है। तो यहां पर जितने भी एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं वहां पर आप अपना आइडेंटिटीज को, फॉर्मूला को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करके आपको सोल्यूशन लेकर आना है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लगभग 6-7 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मैं जैसे आपके लिए सॉल्व करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए आपके लिए मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको देखना है आप उस टाइम में टैप करके डायरेक्ट उस क्वेश्चन में जंप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फोर्थ का जो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसको ए ले लें और इसको बी ले लें, ठीक है, ये ए स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं ए, बी स्क्वायर को मान लेते हैं बी। तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर भी है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर a का वैल्यू ए स्क्वायर है और b का वैल्यू बी स्क्वायर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर पुट करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो ए स्क्वायर यहां पर है ना, a का वैल्यू तो ए स्क्वायर है, तो पहले ए स्क्वायर आ गया, उसके बाद इसका भी स्क्वायर, a का वैल्यू ए स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू ए स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस, अब यहां पर भी वैसी बी स्क्वायर लिखा है, तो देखो बी का वैल्यू बी स्क्वायर है, उसके बाद यहां पर ये वाला स्क्वायर आ गया, ठीक है, बी का वैल्यू बी स्क्वायर फिर ये वाला स्क्वायर यहां पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 ब्रैकेट के बाहर भी है, ब्रैकेट के अंदर भी है स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए रेज्ड टू द पावर 4, 2 इंटू 2 4 माइनस, यहां पर देखो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, अब यहां भी सेम है, ब्रैकेट के अंदर भी स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर भी स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, बी रेज टू द पावर 4, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में आपको जो भी फॉर्मूला यूज होगा वहां पर एप्लीकेबल होगा वो आपको ध्यान में रख के फॉर्मूला डाल देना है और आपको सॉल्व कर देना है। इसका सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकेंड प्रॉब्लम दिया है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आप यहां पर देखो ये जो है यहां भी एक फॉर्मूला लगेगा और यहां भी एक फॉर्मूला लगेगा, यहां पर दो फॉर्मूला का यूज होगा। ये a हो गया, ठीक है, पहले इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया a और ये हो गया b, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये a ये b, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले दोनों फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे और ये वाला फॉर्मूला को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व दोनों को एक साथ ही करेंगे, ठीक है। इसको यहां पर पुट करते हैं, देखो यहां पर a का वैल्यू 2x, यहां b का वैल्यू 5, तो यहां पर इस फॉर्मूला में डालेंगे ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए का वैल्यू 2x इंटू बी का वैल्यू 5, ठीक, प्लस बी स्क्वायर है 5, तो 5 का स्क्वायर। इसको मैं एक कर्ली ब्रैकेट में लिख लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन लगाएंगे, फिर एक और कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे इस फॉर्मूला को यूज करके। यहां पर ए स्क्वायर का वैल्यू 2x है, 2x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस, यहां करता हूं मैं 2 इंटू ए का वैल्यू 2x इंटू बी का वैल्यू 5 प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 5 का स्क्वायर, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये कर्ली ब्रैकेट में क्यों लगाया हूं ये मैं आपको आगे बताता हूं सॉल्व करके, ठीक है। इसको मैं यहां से ऐसे कर देता हूं। अब देखो क्या होगा, 2x का स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर x का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 5 20, तो ये हो गया 20 और यहां x भी है तो आ गया x प्लस 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 माइनस, अब यहां कर्ली ब्रैकेट है तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये भी कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं,
टू एक्स का स्क्वायर यानी कि टू का भी स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर हो गया सेम यहां जैसा, माइनस टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी, ये आ गया ट्वेंटी और साथ में एक्स, ठीक है, प्लस फाइव का स्क्वायर यानी कि फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव। अब इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में क्यों लिखा था, देखो अंदर में ऑलरेडी बहुत सारे एक्सप्रेशन या टर्म्स ब्रैकेट में है, ठीक है, अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये इस पूरे टर्म को पूरे एक्सप्रेशन को अलग करता है, ठीक है, यहां पर देखो माइनस का साइन है, तो जब कभी भी ये कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा या फिर बड़ा ब्रैकेट, आप कर्ली ब्रैकेट भी लगा लो या स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो या बड़ा सा कॉमन ब्रैकेट लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो जब ये बड़ा ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर इसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं इनका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर में माइनस का साइन है, ठीक है, देखो कैसे होगा, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो सिंपल लिख सकते हैं फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव, अब ब्रैकेट ओपन होगा देखो माइनस इंटू प्लस, फोर एक्स प्लस में तो माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस फोर एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस ट्वेंटी एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव, ठीक है। अब यहां लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को हम लोग को सॉल्व करना है, आप चाहो तो अरेंज करके एक साथ लाइक टर्म्स को पहले ले आओ फिर सॉल्व कर लो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, तो देखो ये प्लस फोर एक्स ये माइनस फोर एक्स दोनों कैंसल हो गया, प्लस ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स दोनों में प्लस है तो ये फोर्टी एक्स हो गया, प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव ये भी कैंसल हो गया, क्या बच गया यहां पर सिर्फ फोर्टी एक्स, तो फोर्टी एक्स इसका आंसर हो गया, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, थर्ड में दिया हुआ है सेवन एम माइनस एट एन का होल स्क्वायर प्लस सेवन एम प्लस एट एम का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर भी दो फॉर्मूला यूज होगा, देखो ये ए है ये बी हो गया, ए का वैल्यू बी का वैल्यू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां क्या यूज होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला यहां साइड में लिख लेते हैं, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मूला को आप यहां पर लिखो, है ना, बिना फॉर्मूला लिखे भी आपको ए का और ए का और बी का वैल्यू पता है आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो, तो यहां पर देखो पहले a माइनस बी ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, a का वैल्यू ये b का वैल्यू है, तो पहले a स्क्वायर है यानी कि 7m का स्क्वायर माइनस फिर उसके बाद 2ab 2 इंटू a का वैल्यू 7m इंटू b का वैल्यू 8n फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि 8n का स्क्वायर, ठीक। अब यहां लिखते हैं प्लस, देखो यहां पर आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पर प्लस का साइन है, ठीक है, अगर माइनस साइन होता तो इसको सॉल्व करने के बाद अंदर का जितना टर्म्स होता उसका साइन चेंज हो जाता, लेकिन यहां पर प्लस का साइन है तो जब आप प्लस के साइन के साथ इसको सॉल्व करोगे तो अंदर का साइन जो है वही रहेगा, इसलिए यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ए स्क्वायर यानी कि सेवन एम का स्क्वायर फिर उसके बाद प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए का वैल्यू 7m इंटू बी का वैल्यू 8n के ये 7m और 8n है, ठीक है, ओके प्लस b का स्क्वायर यानी कि 8n का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7m का स्क्वायर यानी कि 7 का भी स्क्वायर n का भी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होगा 7 7 जा 49 एम स्क्वायर होगा m स्क्वायर माइनस टू सेवन द फोर्टीन फोर्टीन इंटू एट यहां सॉल्व करते हैं फोर्टीन इंटू एट एट फोर द थर्टी टू एट वन द एट प्लस थ्री इलेवन ये हो गया 112 और साथ में यहां m और n भी है तो m n प्लस 8 n का स्क्वायर तो 8 का भी स्क्वायर n का भी स्क्वायर 8 एट द 64 और n स्क्वायर का n स्क्वायर प्लस फिर से यहां से 7m स्क्वायर एज इट इज 49m स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेवन 14 14 इंटू एट यहां निकाल चुके हैं 112 और mn प्लस 8n का स्क्वायर यानी कि 64n का स्क्वायर। अब यहां लाइक टर्म्स जो है उनका आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे,
देखो ये 49, ये एम स्क्वायर है, ये भी एम स्क्वायर है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 49 प्लस 49, 9 9 18, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, ये हो गया 98 m². अब ये -112 mn और +112 mn, ये दोनों कैंसल हो गया, ठीक, +64 n² +64 n² तो 64 प्लस 64, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 6 12, ये आ गया +128 n², ठीक, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको रब करता हूं, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में दिया है 4m + 5n² + 5m + 4n² ठीक। अब देखो यहां पर ये a है, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, यहां पर a है, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर उसका फॉर्मूला, तो दोनों जगह एक ही फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab + b² पुट करते हैं। तो इसको पहले करेंगे, यहां पर ए स्क्वायर यानी कि 4m² प्लस 2ab यानी कि 2 × 4m × 5n, फिर प्लस b² यानी कि 5n² प्लस यहां भी सेम आएगा, ठीक है, ये भी सेम सेम नंबर दिया हुआ है 4 5m, यहां देखो 5m दिया हुआ, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया था, यहां 4n है यहां 5m है, तो यहां पर फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहां पर a का वैल्यू 4 a का वैल्यू 5m है, तो 5m² प्लस 2 × 5m × b का वैल्यू 4n प्लस b² यानी कि 4n² अब सॉल्व करते हैं, 4m² यानी कि 4 का भी स्क्वायर, m का भी स्क्वायर, 4 4 16 और ये हो गया m² प्लस इसको देखो 2 4 8 8 5 40, ये हो गया 40 mn, m और n भी है, प्लस 5n² यानी कि 5 का भी स्क्वायर, n का भी स्क्वायर, 5 5 25 और ये n² प्लस 5m² यानी कि 5 5 25 और m का स्क्वायर प्लस यहां तक पूरा मल्टीप्लीकेशन 2 5 10, 10 × 4 40, m और n दोनों है, m n प्लस 4n² तो 4 4 16 और n × n हो गया n². अब देखते हैं यहां लाइक टर्म्स कौन कौन सा है, ये भी m स्क्वायर है, ये भी m स्क्वायर है, इन दोनों का एडिशन हो सकता है, देखो ये m² ये m² दोनों प्लस में एडिशन करेंगे, 5 + 6 हो गया 11, देखो 25 + 16, ये हो गया 6 + 5 11, 2 3 और 1 4, 41, 41 m² प्लस ये 40 mn और ये 40 mn, ये हो गया 80 mn। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर मेरे से कुछ गलती हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ताकि दूसरा कोई स्टूडेंट अगर इसको देखे आपके बाद तो वो इस चीज को करेक्ट कर सके, ठीक है। अब यहां देखो ये भी n² और ये भी n² दोनों को ऐड करते हैं, फिर से 25 और 16 को ऐड करना है, 25 16 प्लस ये हो गया 41 n², ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ प्रॉब्लम देखते हैं। फिफ्थ में दिया है 2.5p - 1.5q² - 1.5p - 2.5q² देखो है कुछ नहीं, सिर्फ आपको डेसिमल में नंबर दे दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बाकी बहुत इजी है। फॉर्मूला आपको दोनों जगह एक ही फॉर्मूला यूज करना है, ये a ये b, a - b² यहां भी a ये b, a - b² आपको कर्ली ब्रैकेट का यहां पर अगर आप यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पर माइनस का साइन दिया हुआ है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यूज करते हैं फॉर्मूला, आपको पता है फॉर्मूला है a - b² = a² - 2ab + b², ये फॉर्मूला है, यूज करते हैं यहां पर, यहां a का वैल्यू है 2.5, तो पहले आ गया 2.5p²
इसका माइनस टू इंटू ए का वैल्यू 2.5p इंटू बी का वैल्यू 1.5q, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1.5q का होल स्क्वायर। इसको एक कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, ये इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो उसको दूसरे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। यहां से माइनस साइन लगा के मैं कर्ली ब्रैकेट पहले ओपन कर लेता हूं। अब ये वाला पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी है, यहां ए का वैल्यू 1.5, तो ए स्क्वायर यानी कि 1.5p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 1.5p इंटू बी का वैल्यू 2.5q, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ये है 2.5q का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये आ गया, इसको मैं सॉल्व करता हूं। 2.5 इंटू 2.5 यहां कर लेते हैं, 2.5 इंटू 2.5, 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 हो गया 12, इंटू 2 5 हो गया 10, 2 2 4 प्लस 1 हो गया 5, यह आ गया 5 2 6। डेसिमल कहां लगेगा, यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, टोटल दो डिजिट, तो राइट साइड से दो डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, यहां लग गया डेसिमल 6.25, यह आ गया 6.25, पी का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो ये हो गया 2.5 इंटू 1.5 इंटू 2, अगर 2.5 इंटू 1.5 किया जाए, 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 हो गया 12, इंटू 1 5 5, 1 2 2, ये आ गया 5 7 3। अब डेसिमल कहां लगेगा, यहां पर देखो डेसिमल के बाद यहां भी एक डिजिट और डेसिमल के बाद यहां भी एक डिजिट, तो टोटल दो डिजिट, तो यहां पर राइट साइड से दो डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, यहां आ गया डेसिमल 3.75, 3.75, साथ में यहां पर पी और क्यू भी है तो ये आ गया पी क्यू, प्लस अब 1.5 का स्क्वायर करना है तो 1.5 इंटू 1.5, 5 5 25, 5 1 5 प्लस 2 7, यहां या 1 5 5, 1 1 1, ये आ गया 5 7 प्लस 5 12, और ये 2। अब डेसिमल यहां पर भी सेम, यहां पर एक डिजिट, यहां पर एक डिजिट, तो यहां पर दो डिजिट के पहले डेसिमल लग गया यहां, तो ये आ गया प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहां पर क्यू भी है साथ, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, पहले मैं इसको यहां से रब कर लेता हूं, ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में पहले लिख लेता हूं, ये माइनस साइन लगा के यहां पर कर्ली ब्रैकेट, देखो कर्ली ब्रैकेट का यूज करना आपको जरूरी है, इससे आपका आंसर गलत होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर का जितना भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाहर अगर ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस साइन हो तो ब्रैकेट के ब्रैकेट ओपन होते ही अंदर सबका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखो 1.5p का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर करना है जो हम ऑलरेडी यहां कर चुके हैं, ये आएगा 2.25, साथ में पी है तो पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5, वो भी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये आएगा 3.75 pq प्लस 2.5 q स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर यहां हो चुका है 6.25 और साथ में क्यू स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जब कर्ली ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके अंदर जितने भी टर्म्स है उन सब का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा देखो 6.25 p² माइनस 3.75 pq प्लस 2.25 q². अब यहां से ब्रैकेट ओपन होगा, देखो ये प्लस में है, माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस 2.25 p², अब ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 3.75 pq, फिर से माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस 6.25 q². तो देखो यहां पर ब्रैकेट ओपन होते ही अंदर सबका साइन चेंज हो गया, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस में था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, इसलिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करना बहुत जरूरी है। अब यहां देखते हैं जो सिमिलर टर्म्स है या जो लाइक टर्म्स है उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग को करना है। तो पी स्क्वायर वाला टर्म अगर आप देखो तो ये एक पी स्क्वायर वाला है, ये पी स्क्वायर वाला है, 6.25 माइनस 2.25, ये 0 0, यहां पर डैश, यहां पर आ गया 4, इसका आंसर है यहां पर ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया 4p², ठीक। अब ये माइनस 3.75 pq और ये प्लस 3.75 pq, ये दोनों कैंसल हो गया, अब यहां बच गया 2.25 q² माइनस
6.25 क्यू स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्शन होगा तो दोनों का, तो देखो यही चीज आएगा 6.25 माइनस 2.25, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस इंटू माइनस माइनस, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, यहां आ गया 4 क्यू स्क्वायर। साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो 2.25 और 6.25 में 6.25 बड़ा है, इसका साइन माइनस है, यहां आ गया माइनस का साइन, ये हो गया आपका आंसर 4p² माइनस 4q², ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ प्रॉब्लम देखते हैं। सिक्स्थ में दिया हुआ है ab + bc का होल स्क्वायर है, फिर दिया माइनस 2ab² c। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसको अगर अपन a समझ ले और इसको b, तो a + b का होल स्क्वायर, यहां पर हम लोग फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो एक्सप्रेशन, ये जो टर्म दिया हुआ है, ये सिंगल टर्म है, तो यहां पर कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फॉर्मूला लगा के इसको यहां पर देखेंगे कि क्या आंसर आता है, उसके बाद देखेंगे कि क्या कोई ऐसा टर्म है जो इसके साथ प्लस या माइनस हो सकता है, फिर उसके साथ इसको प्लस या माइनस करके फाइनल आंसर लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का फॉर्मूला क्या यूज होगा, a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab + b² पुट करते हैं, a का वैल्यू यहां पर ab है, तो ab का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू ab इंटू b का वैल्यू bc प्लस b² यानी कि bc का स्क्वायर। अब देखो साथ में ये भी है तो इसको लेना पड़ेगा माइनस 2ab² c, ठीक है। इसके जगह में हम लोग फॉर्मूला पुट कर दिए और साथ में इसको ले लिए। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो क्या होगा, जो स्क्वायर है ये a के लिए भी है और b के लिए भी है, तो यहाँ पर a² b² आ गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो देखो 2 इंटू a, अब देखो b दो बार है तो b² हो जाएगा और साथ में c आएगा, तो 2ab² c, फिर प्लस, अब यहाँ पर bc में स्क्वायर है तो b के लिए भी स्क्वायर है और c के लिए भी स्क्वायर है, ये हो जाएगा b² c², अब यहां पर है माइनस 2ab² c। तो देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों का वेरिएबल देखो ab² c और ab² c, तो इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसल हो गया, क्या बच गया a² b² + b² c², ठीक है। तो इसी तरीके से जब आपको एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर दे दिया जहां पर आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, तो उसको आपको ऐसे ही रहने देना है, जिसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो वहां पर फॉर्मूला यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, और लास्ट में ये देख लेना है कि क्या वो एक्स्ट्रा जो टर्म दिया हुआ है वो किसी के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसको कर लेना है, और अगर नहीं होगा तो सारे के सारे अगर अनलाइक टर्म्स है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूँ, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सेवेंथ प्रॉब्लम देखते हैं। सेवेंथ प्रॉब्लम में दिया हुआ है m² - n² m² फिर प्लस 2m³ n² तो ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। यहां पर हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला पढ़ के पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, और ये वाला जो एक्स्ट्रा टर्म दिया हुआ है उसको चेक करेंगे कि क्या किसी के साथ प्लस या माइनस हो सकता है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या यूज होगा, देखो ये हो गया a, ये हो गया b, तो a - b का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b², ठीक है। अब इस फॉर्मूला में इसको पुट करते हैं, a का वैल्यू m² है और b का वैल्यू n² m है, तो यहाँ पुट करते हैं, ये हो जाएगा m², ठीक है। ये देखो अब यहाँ पर a² बोला है, ठीक है, m ऑलरेडी स्क्वायर में, तो a का वैल्यू m² है, ठीक है। यहाँ देखो a का वैल्यू m² है, तो m² के बाद में ये वाला स्क्वायर अलग से लगेगा, फिर तो उसके बाद माइनस 2 इंटू a का वैल्यू m² और b का वैल्यू है n² m, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है, प्लस b² का वैल्यू ये है, तो n² m का होल स्क्वायर, ठीक है। साथ में ये एक्स्ट्रा टर्म है तो इसको भी लिखना पड़ेगा, प्लस 2m³ n², ठीक है। अब देखो यहाँ पर
ये एम स्क्वायर का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अगर अंदर भी स्क्वायर है और बाहर भी स्क्वायर है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो गया एम रेज टू द पावर 4 माइनस। अब देखो इसको थोड़ा सा यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं रफ में, ठीक है। यहां लिखा है 2m² n² m, तो ये हो गया 2 into, ठीक है, एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको एक्सपांड किया जाए तो ये हो जाएगा 2 into m into n into n into last वाला m, ठीक। तो यहां पर देखो m कितने बार है, 1, 2 और 3 बार m है, तो ये हो गया m³ 2 as it is रहेगा, और n दो बार तो n स्क्वायर, तो क्या आ गया 2m³ n² 2m³ n² प्लस। अब यहां भी यही चीज है, ये जो स्क्वायर है n स्क्वायर के लिए भी है m के लिए भी है, तो n स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 into 2 4 हो गया, यहाँ n raised to the power 4 आ गया, और m के लिए स्क्वायर है तो m स्क्वायर प्लस लास्ट वाला टर्म 2m³ n² अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ये माइनस में ये प्लस में, देखो यहां भी 2m³ n², यहां 2m³ n², तो ये दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, फाइनल क्या बच गया m² m raised to the power 4 प्लस n raised to the power 4 m², ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.5 का फोर्थ क्वेश्चन।